सर शहजादा की रिलीज डेट आ चुकी है और पठान के सिर्फ ठीक दो हफ्ते बाद रिलीज होने वाली है, क्या लगता है पठान की कमाई कम होगी शहजादा से? जी देखिए, पठान एक ऐसी फिल्म है जिसके आगे पीछे तो आप छोड़ दीजिए, उसके साथ भी किसी फिल्म को, बड़ी से बड़ी फिल्म को भी रिलीज कर दोगे ना, तो पठान की कमाई पे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। पठान की हाइप अलग लेवल की, बादशाह है भैया शाहरुख खान, बादशाह की वापसी हो रही है। तो शहजादा तो देखिए वैसे कार्तिक आर्यन की फिल्म है, देखिए अच्छे एक्टर है, कोई हेट नहीं उनके लिए, लेकिन शहजादा देखिए पठान के आगे आ रही है, बल्कि शहजादा को ही नुकसान है क्योंकि पठान देखिए काफ़ी लंबा रन रहेगी। एक महीने से पहले तो देखिए किसी को स्क्रीन्स मिलने नहीं वाली हैं, शहजादा को भी देखिए थोड़ी बहुत स्क्रीन्स ही मिलेंगी। वो देखिए वैसे एक तो उसको हेट मिलना शुरू हो चुकी है क्योंकि वो देखिए आपको पता होगा अल्लू अर्जुन की फिल्म आई थी अला वैकुंठपुरम अल्लू, उसकी रीमेक है, पूरी हिंदी रीमेक है, चलो वो तो ठीक है, ऊपर से टीजर में देखिए आप पूरे सीन टू सीन कॉपी किए हुए, पूरा फ्रेम टू फ्रेम कॉपी चल रहा, वो एक्शन सीन देख लो आप उनका, चाहे वो गमछा बांध रहे हैं, मतलब पूरा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा लग रहा है भैया कि उसको पहले वो दिखा दी अल्लू अर्जुन वाली कि ले देख कपड़े भी ऐसे ही पहन, सारी चीज़ें मतलब भाई कपड़ों तो बदल दो कम से कम, पूरी पूरी वही की कॉपी करवा रही है। खैर मुझे लगता है लेकिन फिर भी फिल्म चल जाएगी क्योंकि कार्तिक आर्यन का देखिए अभी टाइम चल रहा है, उनकी फिल्में चल रही हैं, भूल भुलैया 2 ऑडियंस ने पसंद की, उसके अलावा देखिए धमाका आई थी वो भी पसंद आई, फ्रेडी आने वाली है, उसके बाद फरवरी में 10 फरवरी को मेरे ख्याल से शायद दिया जाएगी शहजादा मतलब। लेकिन पठान और इसकी बात किया तो पठान का देखिए कंपेरिजन किया ही नहीं जा सकता, पठान एक अलग ही फिल्म है, उसके सामने भी है, सामने तो जो आएगा भैया उसी को नुकसान है। तो शहजादा ऐसे में 2 हफ्ते बाद आ रही है तो ठीक ठाक चल जाएगी फिल्म, लेकिन पठान तो ब्लॉकबस्टर होनी होनी है।